स्पेशल फैशन शो हुआ है, स्पेशल पैजेंट हुआ है सीनियर्स को लेकर, और ये एक खास पैजेंट रेखा देसाई ने प्लान किया है, वन ऑफ अ काइंड है, और मैं समझूंगी कि आज के बाद बहुत लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे। बहुत इंस्पायरिंग रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला जिस तरह से वो बात कर रहे थे, बिकॉज आमतौर पर आप जब फैशन शोज में जाते हो तो वही बातें वही चीज़ें आपको सुनने मिलती है, लेकिन आज यहाँ पर बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ। बहुत बहुत खुशी की बात है कि ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम अपनी जो टैलेंट है वो हम दिखा सकें यहाँ पर, और ऐसा मौका पहले कभी नहीं मिला था, आज मिला और आगे से भी मिलता रहेगा, तो वी आर वेरी हैप्पी यू नो दिस प्रेजेंट। मुझे तो बहुत खुश हुई, मेरा फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ, ज़िंदगी की दौड़ में बहुत सी चीज़ें पीछे छूट गई थी, तो अब मेरे अपने पर्सनल सारे काम हो चुके, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा चांस मिला आगे बढ़ने का, अपना बढ़ाने का। बहुत ही बढ़िया प्रयास है, और ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत कम लोग सोच पाते हैं, इसके लिए मैं ये पूरी इवेंट कंपनी पीच मैनेजमेंट को मैं बहुत बधाई देता हूँ, रेखा देसाई को बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह का कंसेप्ट सोचा, और सब लोग 16-17 साल की या 20 साल की लड़कियों की फैशन कॉन्टेस्ट तो रखते ही हैं, लेकिन जो 50 प्लस है उनके बारे में, 55 प्लस है उनके बारे में सोचना, उनको कॉन्फिडेंस देना, और उनके अंदर की जो सुंदरता है, उनके जीवन के जो संघर्ष है, और उन सब से निकल कर जो उनका सुंदर रूप बाहर आया है उसकी अगर कोई सराहना करता है तो वो बहुत ही बड़ी बात है, और मैं उनके लिए उस बात के लिए उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैं संजय छेल लेखक निर्देशक हूँ, गीतकार हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि संवेदना क्या है, इमोशंस क्या है, 55 प्लस औरतें जितनी हैं उनके इमोशंस को, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। थैंक यू। नहीं, सोचने की कोई वजह नहीं थी, बस मैं यही करना चाहती थी जो मेरा एक ड्रीम था, जो मैं कंप्लीट करना चाहती थी, क्योंकि आज तक किसी ने ये स्टेप लिया ही नहीं सीनियर के लिए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि सीनियर के लिए भी कुछ करना चाहिए, सीनियर भी ये स्टेप चाहते हैं हटके, हर एक ये दुनिया से हटके उनको भी फैशन इंडस्ट्रीज में आना है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है, वो भी चाहते हैं कि हम भी रैंप अप करें, क्योंकि हम लोग ऐसे कंजर्वेटिव सोच के साथ में, ऐसे रेस्ट्रिक्शन के साथ में बड़े हुए हैं कि हमारे टाइम में किसी को ये मौका ही नहीं मिला, हम हमारे घर में जाके बोल भी नहीं सकते थे कि हमें भी ये करना है, हमें छोटे कपड़े पहनने हैं, या हमें फैशन शो में पार्ट लेना है, हमें फिल्म में काम करना है, नहीं, हम बहुत डरते थे, हमारी फैमिली से डरते भी थे, और आप कह सकते हो हम रिस्पेक्ट भी करते थे, लेकिन ये रिस्पेक्ट भी क्या काम की जो डर में बदल जाए, यू नो। तो मैं चाहती थी कि ये सब बाहर आए, जो अंदर सबके अंदर एक छोटी छोटी विश भरी पड़ी हुई है, एक उनकी उम्मीद है कुछ करने की, कुछ एक यू नो, कभी किसी ने सोचा है कि हम भी ऐसे डांस करते, हम भी एक्टिंग करते तो शायद कैसा होता, तो उनको उनके टाइम में ये मौका नहीं मिला, तो ये मौका मैंने उनको दे दिया कि मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रही हूँ, आपको प्लीज़ कम ऑन स्टेज एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ देयर से, इसलिए उनके कॉन्फिडेंस पे ही आज उन्होंने इतने गर्व से कि जो ये जमाने में, मतलब अपनी ये एज के साथ में भी उन्होंने स्टेज पे आने की हिम्मत करी है, मेरे लिए वो गर्व की बात है कि उन्होंने आज, मैंने तो ये स्टेप लिया बट मेरा ये स्टेप सक्सेसफुल बनाने के पीछे ये सब सीनियर फीमेल का हाथ है, अगर वो आके पार्टिसिपेट ही नहीं करती तो मैं कैसे ये करती, ये ऑर्गेनाइज ही मैं नहीं कर पाती, तो आज उन्होंने भी मेरे में एक विश्वास रखा है और मैंने उन पर रखा है, जो वो आज आए हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी कोई आउटर ब्यूटी पे नहीं, उनके इनर ब्यूटी, उनके कॉन्फिडेंस, उनके ग्रेस, उनके विजडम, उनके रिंकल को ही मैं परखना चाहूँगी। 8 महिलाओं ने आज पार्टिसिपेट किया और काफ़ी सारी ऑनलाइन देने वाली है, काफ़ी सारी आ नहीं सकी, मतलब आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि कितने सारे ने मुझे इसमें एक कहते हैं ना कि इंस्पायर किया है, वो डेली मुझे फ़ोन करके इंस्पायर करते हैं और मुझे कहते हैं कि अगर आपने ये स्टेप नहीं किया करते तो शायद हम लोग कभी भी ये नहीं कर पाते। मैंने शायद पद्मिनी जी को ही बोल दिया कि